हम कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। कांग्रेस तो भारत की आत्मा है। सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। इस चर्चा के दौरान आज हमने आपसे पूछा था कि क्या लोकतंत्र बचाओ मार्च कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट है। 48% लोगों ने इस मसले पर हाँ का जवाब दिया है और लगता है कि उन्हें कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, हालांकि बहुमत फिर भी इस बात से इनकार कर रहा है। इस बीच में करोड़ी सिंह जी नीति की बात कर रहा था, क्या इस तमाम सूरत के बीच में हमें लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं कोई पार्टी नीति से दूर है या दोनों के हाल एक जैसे हैं? देखिए, नीति का अर्थ होता है कि विवेक सम्मत हम कोई चयन करें, और इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए विवेक सम्मत चयन ये था कि अगस्ता वेस्टलैंड है वो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक उपयोगिता है, और कांग्रेस ने जिस तरह का मार्च निकाला है ये कांग्रेस की मजबूरी है। तो दोनों का अपने अपने नीति के हिसाब से, अपने राजनीतिक सामरिक महत्व के हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन राष्ट्र के हित की तरफ से देखें तो दोनों ही, राजनीति को हम मानते हैं अच्छे काम करने की एक कला होती है, लेकिन आज जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक प्रदर्शन करना शुरू किया है उससे ऐसा लगता है कि राजनीति का अर्थ होता है बुरे कामों को ढकने का प्रयास करना चाहिए, जबकि राजनीति का सही अर्थ होता है कि अच्छे काम करने की एक कला है। तो राजनीति के हिसाब से कहें तो राजनीति का जो आदर्श स्वरूप है वो दोनों ही राजनीतिक दलों में नहीं है, और वो संभव भी नहीं हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति है जिस तरह के दोनों दलों ने अपना एक सामरिक रूप से इनको उपयोग करना शुरू किया है वो कांग्रेस की मजबूरी है और बीजेपी की उपयोगी। गिरिराज गर्ग साहब, 48% राय फिर भी कम नहीं है, जिन लोगों को लग रहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट था, ऐसे हालात में कैसे आपके मुद्दे से सहमत करेंगे लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से पूरे देश के सामने स्थिति है अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह का इंटरवीन किया, जिस तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिस तरह से जो कोर्ट ने फैसला दिया। आप इस मसले को संसद राज्यसभा दोनों जगहों पर उठाए, क्या मैं ये मानूं कि वहां पर बात नहीं बनी इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ा? निश्चित रूप से राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह उठाया, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कटघरे में खड़ी हो रही थी इसलिए इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड का मामला, जिसमें कोई दम नहीं है, जो यूपीए सरकार पहले निर्णय कर चुकी है, इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया, डिलिस्ट क्यों किया इन्होंने, मेक इन इंडिया का पार्ट क्यों बनाया उसको, जब सीबीआई जांच चल रही है दो साल से सरकार सो क्यों रही है, उसके अंदर तीव्र गलती क्यों नहीं की? भाई जो मुलजिम थे उनको सजा मिलनी चाहिए ना, जब देश की सीबीआई इनके अंडर में है, दो साल से सरकार इनके कब्जे में है, ये बैठे हुए हैं सत्ता की कुर्सी के ऊपर, ये लाते ना उसको जेल भेजते ना नेहरू गांधी परिवार को, मना कौन कर रहा है इनको, ये खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से वो लड़ते रहेंगे और भ्रष्टाचार के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या इस पूरे मामले को देखने के बाद हम, चाहे कांग्रेस का लोकतंत्र मार्च क्यों ना हो, हम मानेंगे कि बीजेपी या फिर मोदी सरकार पर कोई दबाव नहीं होगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा या तो गिरिराज जी भाई साहब इस विषय को पूरी तरह से नकारना चाह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, अब कार्रवाई तो संसद में बहस जो हो रही है उसी में आप भग रहे हो, उसी में सुनना नहीं चाहते सरकार को, सरकार तो जवाब रही उसके पक्ष में अपना कोई प्रतिरोध जवाब नहीं दे रहे हो, सरकार कार्रवाई कर रही है तो आप सुनना नहीं चाहते, इटली का फैसला है उसके बाद सारा घटनाक्रम घटा है, तो सरकार तो काम कर ही रही है, आपको जो जो गांधी परिवार फंसता नजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र को खतरा नजर आ रहा है। मैं कहना चाहूँ उत्तराखंड में विधायकों ने विद्रोह किया, किसके विधायकों ने किया? आपके विधायकों, आपके मुख्यमंत्री की खुद की स्टिंग ऑपरेशन में सीडी बाहर आती है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, वही बीजेपी ने प्लांट की है, तो आप खुद सोचिए ना आपका लोकतंत्र को खतरा कहां से उत्पन्न हो रहा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने आज पिछले दो साल में जो भी मुद्दे उठाए, बेबुनियाद मुद्दों पे राहुल गांधी जी ने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की, इनके पास में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, ध्यान कौन भटका रहा है? आखिरी सवाल आपसे गोदा साहब, ऐसे हालात में लगता है कि ध्यान भटकाने की बात अगर कहीं हो रही है सियासत में, सिक्कों के दोनों पहलुओं की ओर गौर किया जाए, ज्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिये, ज्यादा जिम्मेदार तो दोनों ही है, जहां तक बात की जाए मुख्य मुद्दा होना चाहिए था सूखा, भ्रष्टाचार और जो दूसरे इस तरह के मुद्दे हैं। अब आपका पॉलिटिकल हित जो है अगस्ता से सुलझता है, उत्तराखंड से सुलझता है, तो आप उनको उठाते हैं, तो
मूल मुद्दे से और जो नीति की बात आप कर रहे थे कि नीति से, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट है आप दोनों दल, दोनों दल जो भी कर रहे हैं अगस्ता या उत्तराखंड के मामले, लेकिन जहां तक नीति की बात है, नीति ये कहती है कि आप देश के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें। जनता को ना अगस्ता से मतलब है ना उत्तराखंड की राजनीति से मतलब है, जनता को मतलब है सूखे से, पानी के लिए तरस रहा है आदमी, जनता को मतलब है रोजगार से, जनता को मतलब है और दूसरी बहुत सारी चीज़ों से जो उसके काम की है, उस पर न संसद में चर्चा है न सड़क पर आप आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीति के लिहाज से दोनों भटका रहे हैं, खुद को भटक रहे हैं, और पॉलिटिकली देखा जाए तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कि इस पहलू का आगे क्या रुख होता है, कैसी तब्दीलियां होती है। फिलहाल के लिए आज इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।